जामताड़ा जिले के गांधी स्टेडियम के निकट संचालित जन औषधि केंद्र से गरीबों को बड़ा सहारा मिला है। दवा खरीदने आए रमेश कर्मकार और सुनील मुर्मू का कहना है कि आमतौर पर इलाज के दौरान दवाइयां खरीदने में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन जन औषधि केंद्र ने बड़ी राहत प्रदान की है। दवाई प्रधानमंत्री तरफ से जो ले रहे हैं तो दुकान में बहुत सस्ता मिल रहा है, गरीबों का लाभ भी हो रहा है इसमें। नाडा जन औषधि केंद्र अड़ी सस्ता दाम थे मेडिसिन जमुकना। रमेश ही नहीं, चंद्रजीत कुमार सिंह, मुस्लिम अंसारी, शैली कुमारी, सुनील मुर्मू भी जन औषधि केंद्र के मुरीद हैं। वे प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जन औषधि केंद्र गरीबों के लिए प्राणवायु के समान साबित हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो बहुत ही अच्छा किए हैं, इसमें हम लोग को बहुत सस्ता सस्ता दवाई मिलता है, बाजार से बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री ये योजना बहुत अच्छा चलाया है। यहाँ पर दवाई प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई सारी दुकानों से सस्ती मिलती है। जन औषधि केंद्र के प्रतिनिधि तारकेश्वर कर्मकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जन औषधि केंद्र खोलकर देशवासियों को बड़ी राहत दी है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से लोगों को हर प्रकार की दवाइयां काफी कम कीमत पर उपलब्ध हो रही हैं। इसमें लोगों के बहुत हितकार होते हैं, इसमें डॉक्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया सारा दवाई मिलते हैं। जन औषधि केंद्र से लोगों का बड़ा कल्याण हो रहा है। कहा जा सकता है कि गरीब परिवारों के लिए जन औषधि केंद्र किसी वरदान से कम नहीं है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट।